ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज का जो वीडियो है वो इस विषय पे बनाया जा रहा है कि आप कैसे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, यदि आप इसको सटीकता से बनाएंगे तो किसी भी प्रकार की सरकारी या फिर गैर सरकारी नौकरी आप पाने में सफल होंगे। सालों की जो आपकी मेहनत है सरकारी नौकरी पाने की या किसी भी तरह की नौकरी पाने की, वह आज के उपाय के द्वारा यदि आपने सिद्ध कर लिया तो आपको अवश्य ही वह नौकरी मिल पाएगी, आपकी मनचाही नौकरी। तो इस वीडियो में जो जो हम बताएंगे आपको ध्यान से सुनना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आप उस उपाय को सही से समझ सकें। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आगे कर करके मत देखा करें कोई भी, क्योंकि जो बीच में महत्वपूर्ण बातें होती हैं आप वह नहीं सुन पाते हैं इस वजह से। तो आप वीडियो पूरा देखा करें, तभी हम एक एक चीज बताते हैं और एक एक चीज करके दिखाते हैं ताकि आप सटीकता से ये उपाय कर सकें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें। तो आइए, कुछ ज्यादा कठिन उपाय नहीं है, बेहद ही सरल उपाय है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने रोली को गीला कर लिया है, अब सीधे हाथ की तर्जनी उंगली से हम बनाएंगे एक यंत्र जो आपको भी बनाना पड़ेगा। पहले आप ऊपर एक बनाएंगे चकोर, यंत्र हमेशा ज्यादातर चकोर क्यों होते हैं इसके पीछे भी एक बात है महत्वपूर्ण, जो हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, मगर आप ये वीडियो अंत तक देखें। सरकारी या गैर सरकारी नौकरी पाने के लिए, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं आजीविका प्राप्ति के लिए, जैसे आप चकोर बना लेंगे इसको आप चार भागों में बांट देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं चार भागों में बांट दिया है। अब अंदर आपको लिखना है, इसको सूखने देंगे पहले आप, अंदर आपको लिखना है श्री। श्री चारों खानों में आपको सिर्फ श्री ही लिखना है। देख लीजिएगा आप नजदीक से कि हमने चारों खानों में सिर्फ श्री ही लिखा है। इसके पश्चात आपको एक यंत्र बनाना है और जैसा वो भी आपको सीधे आपकी तर्जनी उंगली से ही बनाना है। इस बार आपको एक और चकोर बनाना है, मगर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बड़ा चकोर बनेगा, उंगली से बनाते हैं हम, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सफाई से बनाए, सटीकता से ना भी बने, पूरा सटीक ना भी बने कोई बात नहीं, मगर साफ सफाई का ध्यान रखें। जहां पर आप बैठ के बनाएंगे उस स्थान को भी साफ सुथरा रखें, जल से धो लीजिएगा उस स्थान को, यदि आपके पास गंगा जल हो तो गंगा जल से धोइएगा। इसके बाद आपको अंदर लाल कलम से एक छोटा चकोर बना देना है। फिर इसको आप ऐसे बांट देंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे हम आपको बता रहे हैं। इसके भी हमने चार हिस्से कर दिए हैं, बीच में एक चकोर बना के। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है आपको 10, 10 लिख दिया है। फिर आपको यहां लिखना है
दस, बारह, चार, नौ, तीन, आठ और 15। ये आपको लिखना है, ये आप लिख लीजिएगा। और फिर आपको एक और यंत्र बनाना होगा, वह भी बहुत आसान है, जैसे कि ये वाला यंत्र था। आपको फिर से तर्जनी उंगली से एक बड़ा चकोर बनाना होगा। जैसा कि हम बार बार वीडियो में हमेशा ही बताते हैं कि साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यंत्रों को साफ सफाई से बनाया जाता है और मंत्रों को सही उच्चारण के द्वारा जपा जाता है, तभी सफलता मिलती है। तो साफ सफाई आपके हाथ में है, और उच्चारण यदि आपको नहीं आता है तो हम उच्चारण भी बताते हैं हर वीडियो में मंत्र का। जिस वीडियो में मंत्र की जरूरत होती है हम मंत्र का उच्चारण बताते हैं साथ साथ। अब आप इसको चार चार भाग में बांट देंगे। ये सब देख रहे हैं आप कि हमने हाथ से ही बनाया है। और आपको भी हाथ से ही बनाना है। और हमने चार चार भागों में बांट दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है, सूखने देंगे पहले, तब आपको लिखना है। अगर हम लिख देते हैं साथ साथ, आप देखते जाइए। 92, 99, 2, 9, 9, 7, 94, 2, 4, 2, 94, 1, 2, 4, 94, 1। पास से देख लीजिएगा। तो बंधु, ये तीन यंत्र आपको बनाने हैं, एक ही कागज पे बनाने हैं, रोली से बनाने हैं, और जो अंदर हमने संख्याएं लिखी हैं वो श्री लिखा है, ये नीली कलम से लिखा है, आपको नीली कलम से लिखना है अंदर। और ये आपको उपाय करना है मंगलवार को, मंगलवार की रात को। आप 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच इसे कभी भी बना लीजिएगा, साफ सुथरे कागज पे, साफ सुथरी जगह पे बैठ के। और इसको बनाने के बाद आपको यह तीनों यंत्र, जैसे आपने कागज पे बनाए हैं, तो इसको आप अपने समक्ष रखेंगे, यानी कि हमेशा आप अपने पास रखें। बाहर जाएं तो आप अपने बैग में रख सकते हैं, बटुए में रख सकते हैं। घर पर रहते हैं ज्यादातर, तो आप घर पे अपनी अलमारी में रख दीजिएगा, अपने जेब में रख सकते हैं, जहां भी रखें आप इसको रखना है। 21 दिनों तक आपके पास ये हमेशा रहना चाहिए। हमेशा रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा अपने जेब में रखना है। यदि आप घर पर हैं तो आप घर पे अपने कमरे में रख सकते हैं, बाहर जा रहे हैं तो अपने बैग में रख सकते हैं, तो ऐसे आपको रखना है। तो बंधुओं, इसमें आपको जब आप, हमने मंगलवार को बनाना है, तो आपको रोज आपको एक मंत्र भी जपना होगा साथ साथ। वह मंत्र भी हम लिख देते हैं, रोज आपको मंत्र 11 बार जपना होगा। मंत्र है ओम श्री नमः। देख लीजिएगा, ओम श्री नमः, ये मंत्र आपको जपना है। तो बंधु, ये था उपाय, सिर्फ 11 बार जपना है आपको इस उपाय को, इस उपाय में। और
कम से कम 21 दिनों तक अपने पास रखना है इस यंत्र को। उसके बाद आप किसी मंदिर में इस यंत्र को रखाएंगे। मंदिर में नहीं रख सकते हैं तो मंदिर के बाहर की जमीन पर आप इसको रखाएंगे और ये 21 दिनों तक अपने पास रखना है। फिर जो भी आपकी मनोकामना है, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी की, वह सिद्ध हो जाएगी। और जब भी आप उसके लिए तैयारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो बंधु, यहाँ तक तो आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।